हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग है सभी को। भाई पता नहीं, वीडियो जब भी देख रहे हो अपने हिसाब से ले लेना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है। अभी जस्ट उठे हैं। उठने के बाद सबसे 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 क्रूशियल काम जो हम नहीं कर पाते, बेड को छोड़ना। बेड कम से कम आधा एक घंटा हम नहीं छोड़ पाते भाई। हम आधा एक घंटा अपने आप को कन्विंस करते हैं कि बेड से उठना होता है, तो बस उसको कन्विंस कर लेते हैं थोड़ा देर और फिर उठते हैं। नहीं भाई, उठ जाएंगे अभी, जस्ट उठ जाएंगे। जाएंगे ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे। मेरा क्या जरूरी है, रिचुअल है, फॉलो करना पड़ता है मेरे को। आई एम अ ब्राह्मण, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ ब्राह्मण फैमिली। एंड जितने भी मुझे देख रहे हैं भाई, आप लोग भी सुबह सुबह उठो, नहाओ, एंड जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप अपने जो भी रिचुअल्स है वो किया करो सुबह को। मैं तो करता ही हूँ भाई, एंड इसमें कोई शोरशेबाजी की बातें नहीं है। मेरा है भाई, वो मेरा है, मेरे बचपन से ही, मतलब जब से मेरा जने हुआ है तब से हो गया है क्योंकि पापा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दिस ऑल स्टफ कि नहीं, पूजा किए बगैर नो खाना, नथिंग। तो अभी चलते हैं, पहले पूजा करते हैं, मतलब नहा के पहले पूजा करते हैं, फिर खाने चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो। सो भाई, इट्स टाइम टू गो टू जिम। बट जिम जाने से पहले अभी जैसे मैंने क्रिएटिन मंगाया है, तो मैं क्रिएटिन कंज्यूम करता हूँ। मेरे को पसंद है कि मैं जिम जाने से पहले करूँ। बाकी बहुत जन का डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना थाट्स है, अपना अपना टाइप है, वो अपने हिसाब से कंज्यूम करते हैं। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जिम से पहले कंज्यूम करूँ एक, एंड इफ पॉसिबल अगर मैं उठ जाऊं तो ब्रेकफास्ट के बाद। क्योंकि देखो, ब्रेकफास्ट के बाद करने से क्या होता है कि ब्रेकफास्ट के बाद लंच होता है, लंच के बाद अगर मैं एज प्री वर्कआउट थोड़ा सा लेके जाऊं, क्रिएटिन तो चलता है। क्योंकि मेरे को दिन में 2 डोसेस तो लेने होते हैं, मतलब 3 ग्राम करके 2 स्कूप लेना ही होता है। या तो मैं ट्राई करता हूँ ब्रेकफास्ट, या तो अभी ऐसे जिम से पहले एक बार करूंगा एंड फिर रात को सोने से पहले एक बार। तो ये मेरा पूरा साइकिल रहता है। मैं ऐसे करके क्रिएटिन लोड करता हूँ। एंड हाँ, उसके साथ मैं थोड़ा सा वाटर इंटेक अपना सही रखता हूँ। क्योंकि देखो, वाटर इंटेक सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन के टाइम पे, बिकॉज वही है वाटर कंजम्पशन बहुत मेन रोल प्ले करता है क्रिएटिन में, अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो। फिलहाल मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ मसल ब्लेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अभी तक यूज नहीं किया भाई, 2 ही दिन हुआ मेरे को उसको यूज किए हुए। पहले मैं यूज करता था अच्छे 2-2.5 साल पहले, क्योंकि उसी टाइम लास्ट टाइम क्रिएटिन कंज्यूम किया, तो उसके बाद हम क्रिएटिन कंज्यूम नहीं किया। आफ्टर 2.5 ईयर्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लोड करना। शेकर भी हम रांची में ही भूल गए भाई, तो गैथोरेड का इसमें बॉटल में कंज्यूम करना पड़ रहा है। इश्यूज भाई, इश्यूज, बहुत बहुत दिक्कतें हैं, खत्म ही नहीं होने वाली है। बट हाँ, कोई कंप्लेंट्स नहीं है दिक्कतों में से भाई, क्योंकि जो है जैसा है उसकी कृपा से है, सब सही जाएगा। आई नो इट वेरी वेल। पॉजिटिव साइड रखना हमेशा, नेगेटिव तो सब है। तो क्रिएटिन बेसिकली क्या करता है, क्रिएटिन हेल्प्स टू जनरेट मोर पावर इन यू, ठीक है। एटीपी लेवल बढ़ाता है क्रिएटिन, एंड इसको कंज्यूम करने से आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है, ज्यादा हो जाता है भाई। ऐसे ट्रांसपेरेंट पीने में ऐसा लगेगा, मतलब पीने में मैं क्या टेस्ट बताऊं क्रिएटिन का, पीने में वो नॉर्मल ऐसा लगेगा कि पूरे एकदम क्या बोलते हैं फिल्टर्ड पानी पी रहे हो, और कोई ऐसा कुछ डिफरेंट टेस्ट होता नहीं है क्रिएटिन में। एंड फ्लेवर्ड वाले क्रिएटिन आई गेस अच्छे नहीं होते, मैंने रिव्यू आज तक गलत ही सुना है फ्लेवर्ड वाले को। आगे ठीक है, अनफ्लेवर्ड इज ऑल्सो गुड। मेरे को 500 का पड़ा था, एंड मैं पहले से ही मसल बेस कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे को दिक्कत भी नहीं होती। क्रिएटिन पी चुके हैं, एंड क्रिएटिन भाई बहुत जरूरी है अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर बॉडी बिल्डिंग कुछ भी कर रहे हो। क्रिएटिन बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले कर जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाओगे तभी वेट्स नहीं पुश कर पाओगे। एंड भाई, चाहे बॉडी बिल्डिंग करो चाहे पावर लिफ्टिंग करो, हैवी वेट्स पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए क्रिएटिन कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करते हो तो कर सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन, अगर मेडिकेशंस कोई भी नहीं आप लोग को तो। बाकी यप, लेट्स गो टू जिम नाउ। तो भाई फाइनली इन द जिम, एंड अभी स्क्वाट स्टार्ट करेंगे, एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो मैं उस टाइम बताना चाह रहा था। देखो, क्रिएटिन जब कंज्यूम करते हैं तो मेरा अधिकतर टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, तो आई होपफुली आपको भी मिलेगा, बट श्योर नहीं है, बिकॉज कि हो सकता है आपको कोई मेडिकेशन प्रॉब्लम हो लेकिन अभी तक आपने डॉक्टर कंसल्ट नहीं किया, इसलिए आपको नहीं पता हो। तो एक बार पहले आप अपना डॉक्टर कंसल्ट कर लो, ठीक है, देख लो कि आपको कोई मेडिकेशन इश्यूज़ तो नहीं, मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, उस हिसाब से फिर कर लेना। एंड हाँ, एक और चीज़, क्रिएटिन एंड प्रोटीन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, सेट कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ क्यों। 5 नंबर पे कौन रखता है, शायद मैंने बताया बट स्टिल मैं पहले फिर भी बता देता हूँ। ये डॉट्स मैटर करते हैं, ये जो नंबर्स हैं ना यहाँ पे, ये डॉट्स, अब ये होल्स, ये मैटर करते हैं जब आप एशियंस या फिर इंटरनेशनल्स खेलने जाओगे। एंड अब तो शायद नेशनल्स में भी कंपलसरी कर दिया है कि आपको नंबर्स वगैरह लिखाना पड़ेगा कितने नंबर पर आपका बाहर रहता है। तो ट्राई करो कि ये सब नंबर्स आप नोट करके रखो, ठीक है। Everybody in the world, please Lord, give me a sign, a sign.
want to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Powerlifting karte hain, acha lagta hai. Hectic kaam to yahi ban jata hai bhai. Sahi se knee sleeve chadhane ke liye pro tip bhi hai, but at the same day pro tip bhi thoda hectic hai. हाथ से चढ़ाओगे ना तो क्या था, ये छिलने लग जाता है, ये पार्ट पूरा छिल जाता है. मेरे एक बार पूरा छिल गया था और पूरा खून भी निकल रहा था. इसी चक्कर में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाते हैं हम कि इसमें स्ट्रैप डाल देते हैं एंड स्ट्रैप डाल के पुल कर लेते हैं. किसी अमेरिकन लिफ्टर का रील में शायद हम इसको देखे थे. तो ये टेक्निक इज गुड, बट थोड़ा सा लगता है कि भाई टाइम टेकिंग है ये, मतलब ये इंसर्ट करना ही टाइम टेकिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं. बाकी इधर स्लाइडली एकदम आराम से घुस जाता है भाई. आराम से घुस गया, ज्यादा भी नहीं बट है. तेरी तो चला घुस गया. चलो ठीक है, आगे से ऐसे भी कहां दिखता है वीडियो में, चलेगा इतना. चलो एक घुस गया, दूसरा घुसाते हैं, बार के अंदर घुस जाते हैं. सो इट्स टाइम फॉर द टॉप सेट नाउ. तो उसके लिए अपने को लोड करना पड़ेगा 15 2.5 एंड 1.25, बिकॉज आज का टॉप सेट है, ज्यादा नहीं है अभी. 107.5 है आज का टॉप सेट और इस पे सिंगल्स करके 5 सेट निकालना है. मैं वापस से अपने पुराने प्रोग्राम पे जा रहा हूँ. मैं पहले ऐसे करके ट्रेन करता था, सिंगल्स करके इस पे सेट्स, एक रैप करके सेट्स करना एंड उसके बाद फिर बैक ऑफ पे अच्छे खासे वॉल्यूम ट्रेनिंग करना. तो ये मैं पहले किया करता था, तो अभी वापस वही ट्रेनिंग चालू करेंगे. जो मैं बता रहा था क्रिएटिन प्रोटीन में डिफरेंस, देखो भाई क्रिएटिन प्रोटीन में डिफरेंस ये है कि आप लाइक अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ एंड एटीपी लेवल तो बढ़ाएगा एंड आपको संभवतः बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा, ठीक है, ज्यादा आप पुश करने के लिए वेट्स में. बट आप प्रोटीन का काम बस इतना है कि वो आपका मसल रिकवरी में हेल्प करता है, ठीक है, एंड और भी 2-3 के एसेंशियल्स है जो उसमें एडेड होंगे तो और अलग से हेल्प करते हैं. बट हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली हम लोग क्रिएटिन आज तक जानते हैं एंड बॉडी रिकवरी के लिए प्रोटीन. तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, एक ना समझे, बट हाँ क्रिएटिन इज अ गुड सोर्स क्योंकि वो कम दाम में मिल जाता है एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है. स्ट्रेंथ डेवलप होता है तो बाकी प्रोटीन तो अगर आप घर का फूड से भी कंज्यूम करके पूरा कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये दोनों डिफरेंस है, ये याद रखना. बाकी मुझे याद है मुझे कितना सेट्स करना है. ऊपर में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फायदा नहीं है, बहुत सारे सेट्स भी करने हैं. Strangers around me, I don't know who to trust, how to ground me. I could feel adrenaline, my heart's pounding. The enemies all around, they surrounding. Yeah, I think I better prepare. No fear in this world, better beware. No time in the world, yeah, to be scared. Leave it all on the line, or don't be here. My ending's unclear. I can feel the quest, it's pulling me in. I don't wanna rest, I need to begin. I listen to my chest, I feel it in the wind. I know that I'm obsessed, that's how I'm gonna win. Yeah, I trained for this. Yeah, I prayed for this. I didn't change for this. I was made for this. I can feel the quest, it's pulling me in. I don't want no rest, I need to begin. I listen to my chest, I feel it in the wind. I know that I'm obsessed, that's how I'm gonna win. Yeah, I trained for this. Yeah, I prayed for this. तो भाई वही देखा आपने, लास्ट मैंने किया था पॉज 90 केजीज पे, पॉज रिपीटेशंस एंड उसके बीच में मैं बात नहीं कर पाया कि गाना वाना चल रहा था. बार बार रोकना पसंद अच्छा नहीं लगता है कि रोक लिया, हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो पसंद नहीं आता, बट ठीक है 90 केजीज खत्म हो गया, चलते हैं घर, घर जाके आप लोगों से बात करते हैं. सो भाई वही तक था आज का वीडियो. ये न्यू प्रोग्रामिंग जो मैंने किया है ये आज डे 1 था एंड ऐसे ही पूरा सीरीज रहेगा. मैं ट्राई करूंगा मैं डेली अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिलता रहे, क्योंकि बिगनर को बिगनर वाला आइडिया मिलता रहेगा भाई, क्योंकि देखो सबके बस का नहीं है
ट्रेनिंग लेना, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात, क्योंकि मैं खुद अभी तक नहीं ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ भाई। मैं खुद अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं जाके किसी ट्रेनर को फीस दूँ, या फिर उतने पैसे मैं अफोर्ड मैं नहीं कर सकता भाई। इन शॉर्ट अभी फिलहाल तो जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, या फिर सम वॉट इंस्टाग्राम या फिर कुछ ना चल जाए, तब तक मैं नहीं दे सकता। तो उतना टाइम तक के लिए मैं खुद से प्रोग्रामिंग करूँगा एंड करता रहूँगा। तो ये प्रोग्राम का डे वन था, फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग भी पता चले कि आप क्या कर सकते हो। एक छोटा सा आइडिया तो एटलीस्ट लग ही सकता है आप लोग का भी। सो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, बाकी ऐसे किसी नए वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।